जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल को हम लोग पढ़ेंगे और ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू करें। इसके पहले हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे दें। तो सबसे पहले आप देखें ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है ट्राइंगल। तो ऐसा शेप जिसमें 3 एंगल हों, ऐसे शेप को ही हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल में 3 एंगल का होना ज़रूरी है। एक एंगल ये होगा, दूसरा एंगल ये होगा, तीसरा एंगल ये होगा। और एक बात और समझ लीजिए, जब 3 एंगल होगा तो उसमें 3 साइड भी होगा। तो अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो इसको कहते हैं ट्रायंगल, लेकिन अगर इसको हम हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं वाला और ट्रायंगल का मतलब होता है 3 एंगल वाला। तो कुल मिलाकर के दोनों चीज़ें सेम हैं। इसको आप माइंड किए रहिएगा कि ऐसा शेप जिसमें 3 एंगल हों उसे हम ट्रायंगल कहेंगे और ट्रायंगल में 3 साइड्स भी होते हैं। अब दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि आप क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे। यहाँ हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल नहीं बल्कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो पहला हम डिफरेंस आपको बता दें कि कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन अगर हमें सिमिलर दिखाना होगा तो सिमिलर के लिए केवल एक लाइन का, और वो भी कर्व्ड लाइन का यूज हम लोग करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा सिमिलर। अब एक चीज़ और समझ लें, देखें अगर जितने भी सर्किल होते हैं, अगर सर्किल की बात करें तो जितने भी सर्किल होते हैं सभी सर्किल सिमिलर होते हैं। अब एक चीज़ और हम आगे बढ़ें, तो अगर हम बात करें पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन का मतलब होता है ऐसा शेप जिसमें ढेर सारी साइड्स हों। देर आर मेनी साइड्स इन एनी शेप इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो अगर 2 पॉलीगॉन हो और 2 पॉलीगॉन को हम सिमिलर प्रूफ करना चाहें तो 2 पॉलीगॉन को सिमिलर हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, माइंड किए रहिएगा। सपोज कीजिए ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, आप देखें। अब एक दूसरा पॉलीगॉन हम आपको बता दें, दूसरा जो पॉलीगॉन है वो ये है। और तो अब ये दोनों पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, इनको आप माइंड किए रहिएगा। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि इनके जो एंगल हैं वो एंगल सेम होने चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, 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 और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर व्हेन इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि इनके साइड या तो इक्वल हो या तो रेशियो में हो। जैसे मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो भी इसको हम प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं और इक्वल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप माइंड किए रहिएगा कि अगर ये सभी एंगल इक्वल है और साइड प्रोपोर्शनल हैं तो टू पॉलीगॉन्स आर बिकम सिमिलर
when its corresponding angles are equal and its corresponding sides are proportional. Hence, both polygons are similar. तो इसको आप अपने माइंड में रखे रहेंगे, ये सिमिलर होने की कंडीशन है. अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर. 6.1 के लिए इतनी चीज़ें नेसेसरी थी, आगे जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो नेसेसरी थियरम्स होंगे उन थियरम्स को भी आपको बताते चलेंगे, और थियरम को प्रूफ करने के साथ साथ आगे की चीज़ों को भी हम आपको बताएंगे. तो आप अपने बुक को खोलें और एक्सरसाइज 6.1 को देखें. एक्सरसाइज 6.1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखें, ये ऑप्शन दिए हुए हैं. एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये फिफ्थ है. तो देखते हैं क्या दिया हुआ है. फील इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से करेक्ट वर्ड का यूज करके ब्लैंक को फिल कर रहा है. देखिए फर्स्ट क्या दिया है, ऑल सर्किल्स आर. अभी हमने बताया है कि जितने भी सर्किल होते हैं वो सिमिलर होते हैं. तो इसको आप यहाँ रिमाइंड किए रहिएगा, तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिमिलर होगा. ऑल सर्किल्स आर सिमिलर. तो अब यहाँ पर आप जो है सिमिलर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो सिमिलर होगा. अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पे. सेकंड देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर. देखें स्क्वायर्स जो होते हैं ये भी सिमिलर होते हैं, इसको भी आप माइंड किए रहिएगा. तो स्क्वायर, स्क्वायर और सर्किल ये दोनों सिमिलर होते हैं. अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पर. थर्ड ऑप्शन देखें क्या है, ऑल और फिर ब्लैंक दिया हुआ है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो अब देखें, तो इसके लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक आइसो स्केल दिया है और दूसरा इक्विलेटरल दिया हुआ है. चले देखते हैं. तो अब जो है ऑल ट्रायंगल्स, तो जो जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ये हमेशा आपको दिमाग में रखना होगा कि जितने सर्किल्स होंगे सभी सर्किल सिमिलर होंगे, जितने स्क्वायर्स होंगे ये सभी सिमिलर होते हैं, और जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं. तो जब सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्वल एंगल का जो फ्रंट साइड होता है वो भी इक्वल होता है. तो जब एंगल इक्वल होगा तो फ्रंट साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो इक्विलेटरल यहाँ होगा. अब इसके बाद हम फोर्थ पर देखते हैं. यहाँ पर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. जो अभी हमने मेथड आपको बताया वही मेथड जो है यहाँ पूछा गया है. टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम. यहाँ पर सेम हो जाएगा. और फिर बी में दिया है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो सेम के जगह पे ऑप्शन दिया है इक्वल, आप इक्वल लिख लेंगे. और फिर सेकंड ब्लैंक में प्रोपोर्शनल आप लिख लेंगे. अब इसके बाद जो है
हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितना आपको बताया गया है ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।